प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद यूपी के हाथरस शहर में मिट्टी के दीयों की बिक्री एकाएक बढ़ी है। आमजनों ने आज सुबह जमकर दीये खरीदे हैं। इससे मिट्टी के दीये बनाने वाले और बाजार में उन्हें बेचने वाले दुकानदार खुश हैं। उनकी माने तो लॉकडाउन के चलते उनके दीयों की बिक्री नहीं हो रही थी, लेकिन आज शाम 9 बजे के लिए प्रधानमंत्री ने 9 मिनट तक दीये जलाने का जो आह्वान किया है, उससे आज अचानक ग्राहक मिट्टी के दीये खरीदने के लिए आए हैं। उधर दीये खरीदने वालों ने इन्हें जलाने का संकल्प दोहराया है। आप जैसे आपका दीपक का काम है, दीपक बनाती हैं, बेचती हैं, तो आज कुछ दीपक की बिक्री बढ़ी है? आज बिक्री हुई है, नहीं 8-10 दिन से कोई बिक्री नहीं। यानी जब से लॉकडाउन हुआ है बिक्री नहीं हो रही। क्या लगता है आपको क्यों बिक्री बढ़ी है? बढ़िया, मोदी जी ने कही दीपक जलाना। अच्छा, उस वजह से जो आज दुकानदारी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नूर बेगम नाम है। मेरे लड़का खत्म हो गया, मेरी लड़की भी खत्म। भाई साहब, दीपक खरीदने क्यों खरीदे यहाँ पे दीपक? दीपक ली गई है, मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपील किया है कि 5 अप्रैल को रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाने हैं या टॉर्च जलानी है। तो मैंने दीपक जी समझा, इसके लिए मैं दीपक खरीद के ले जा रहा हूँ और आज रात 9 बजे 9 मिनट तक मैं दीपक जलाऊँगा। मोदी जी ने जैसे कहा एक दीपक, आप कितने दीपक जलाएंगे? मैं 5 की जगह पे मैं 50 दीपक जलाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष शर्मा नाम। आशीष शर्मा। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, जैसे आप दीपक बेचते हैं तो आज कुछ दीपकों की बिक्री बढ़ी है? जी, आज ही बढ़ी है। आज ही बढ़ी है जी। यानी जब से लॉकडाउन हुआ था तब से नहीं बिक रहे थे? नहीं, जब से इतनी बिक्री नहीं थी। तो मोदी जी आने के बाद कुछ फर्क पड़ा बिक्री पर? ये मोदी जी ने जो आदेश दिए हैं कि रात को 9 बजे से 9 मिनट तक दीपक जलाने हैं, इसी आदेश के ऊपर बिक्री कुछ ज़्यादा हो गई है। तो अभी ग्राहक भी कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, इससे पहले इतनी बिक्री नहीं थी। सुनील नाम है।